वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर 6 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ओके, एट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। 1. इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस। ए टॉप सॉइल, बी सब सॉइल। तो बी होगा सब सॉइल, ठीक है। सेकेंड देखिए इसका, विच कंपोनेंट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इसका क्या होगा, बी ह्यूमस, ठीक है। इसका थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट काउज सॉइल इरोजन। इसका आपको क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ग्रोइंग प्लांट्स। ओके, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड नेचर टूक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल। बच्चों, सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और इसको बनने में जो है नेचर को करीब मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है लगा है, ठीक है। सो वी शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन। इसीलिए हमें सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, इसका इरोजन ना हो। तो इसको जो है इरोजन से जो है हमें सॉइल को बचाना पड़ेगा। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। इरोजन से सॉइल को बचाना ही, उसको प्रोटेक्ट करना ही कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के नाम से जाना जाता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन द फ्लोइंग वेज। सॉइल इरोजन को हम निम्नलिखित प्रकार से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसका फर्स्ट देखिए, एफोरेस्टेशन, ग्रोइंग ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। पेड़ पौधों को जो है लार्ज स्केल पर लगाना एफोरेस्टेशन के नाम से जाना जाता है। इफ द ट्रीज हैव टू बी कट डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू वेरियस नीड्स, देन न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन प्लेस ऑफ द कट ट्रीज। यदि पेड़ को काटा जाता है जंगल से बहुत सारे क्या कहते हैं नीड्स के कारण, तो उसके जगह पर न्यू ट्रीज को जो है जरूर जो है प्लांटेड कर देना चाहिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। इसको हम लोग रिफॉरेस्टेशन के नाम से जानते हैं। इन दिस वे द फॉरेस्ट विल कंटिन्यू टू हैव ए सफिशेंट नंबर ऑफ ट्रीज ऑल टाइम। इस तरह से जो है फॉरेस्ट में आपको जो है सफिशेंट नंबर ऑफ ट्रीज जो है हमेशा जो है बना रहेगा। प्लांटिंग ग्रासेज ऑन हिल साइड्स हेल्प्स टू स्टॉप वाटर फ्रॉम कैरिंग अवे सॉइल। ग्रास को लगाना भी जो है हिल साइड्स में जो जरूरी है, क्योंकि यह जो है वाटर को स्टॉप करता है, सॉइल को जो है वन प्लेस से अदर प्लेस तक ले जाने में, मतलब वाटर के साथ सॉइल जो है वन प्लेस से अदर प्लेस तक जो है सॉइल जाएगी, तो उसको यह आपको ग्रास लगाने से क्या करता है, तो रोकता है, ठीक है। अब देखिए, ग्रोइंग प्लांट्स इन फार्म लैंड्स। व्हेन द लैंड इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग इट इज गुड टू ग्रो ग्रास टू और सम अदर प्लांट्स टू बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर विच हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बच्चों, यदि हम जमीन का उपयोग जो है फार्मिंग के लिए नहीं करते हैं, तो फिर हमें जो है उसमें ग्रास लगाना चाहिए, कुछ अदर प्लांट्स लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मिट्टी को जो है जकड़ करके जो है रखे और इरोजन को जो है रोक सके। फार्मर्स ग्रो सीजनल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टू प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। फार्मर्स जो है वो सीजनल वेजिटेबल्स पल्सेस लगाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, जब तक कि नया क्रॉप्स ना लगा लें। ग्रोइंग बुशेज और ट्रीज अलोंग द एजेज ऑफ द फार्म लैंड रिड्यूसेस सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड। आपको जो है ट्रीज जो है फार्म लैंड के किनारे लगाने से क्या होता है कि सॉइल इरोजन कम होता है, क्योंकि इससे जो है विंड का स्पीड जो है वो घट जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।